subscribe to our YouTube channel VanFin Multibaggers and press the bell icon to see the latest updates and videos. VanFin, discover opportunities, create wealth. Bajaj Electricals के साथ और इस कंपनी के CMD में शेखर बजाज में साथ जुड़ते हुए शेखर सर स्वागत है CNBC आवाज पर और धन्यवाद समय निकालने के लिए. अच्छा तगड़ा स्टॉक प्राइस में उछाल देखने को मिला है जैसे मैं मेंशन कर रहा था दोगुना हो गई है निवेशकों का पैसा आपकी कंपनी में जिन्होंने लगाया था तो उसके लिए तो थैंक्स और कॉन्ग्रेचुलेशन सर. पर बताएं धंधे पानी के लिहाज से क्या मूड क्या सेंटिमेंट डिमांड एनवायरमेंट कैसा पैन आउट हो रहा है. सबसे पहले तो मैं जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको धन्यवाद दूंगा कि लास्ट 2 साल में जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन को बना रहे थे तो उसमें जो प्रॉब्लम थी उसके कारण जो ग्रोथ नहीं हो रही थी तो भी उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करके और उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया. अब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम कंट्रोल में आ गया है और उस हिसाब से अब उसका बेनिफिट होगा. इसीलिए जनवरी में हमारा ग्रोथ 27% ENP एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट में 27% ग्रोथ हुआ है. फरवरी मार्च भी अच्छा होना चाहिए और अगले साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा होगा नेक्स्ट ईयर. इसीलिए लोगों ने इसका दाम इतने बढ़ गए हैं. तो ये आप फैक्ट है आपने चैनल पे आके कहा भी था कि जनवरी एक स्ट्रॉन्ग शोइंग रही थी आपके धंधे के लिहाज से तो मैं एज्यूम करूं फरवरी मार्च में वो ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है और Q4 एक बेहद स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होगा बजाज इलेक्ट्रिकल्स के लिहाज से है ना सर. हाँ जी एकदम ठीक है. और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये हमने 1,60,000 आउटलेट्स जो हैं उसको हम वीकली डिस्ट्रीब्यूशन में सर्विसिंग कर रहे हैं जो कि 450 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने कवर कर लिया है तो उसका एडवांटेज हमको मिल रहा है. नहीं तो मुझे समझाएं लास्ट 3 इयर्स कंपनी के लिहाज से खराब रहे थे पेनफुल रहे थे. वो कंज्यूमर बिजनेस जैसे आप मेंशन कर रहे हैं सफर कर रहा था क्योंकि आप अपनी नई डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहे थे. तो ये नया डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्या था और क्या ये पूरी तरह से आप इम्प्लीमेंट हो चुका है इन प्लेस है या अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है सर. अभी आई वुड से कि 90% हो गया है तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस यू कैन टेक इट कि ये जो है ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है. और इसमें एडवांटेज क्या है कि हमको क्यों लास्ट 3 साल से हिट लेना पड़ा क्योंकि हमने होलसेलर्स को बंद कर दिया तो होलसेलर्स हमारा 60% ऑफ माई टर्नओवर वाज कमिंग थ्रू होलसेलर तो वो बंद करने का इम्पैक्ट हुआ कि हमारा सेल्स डाउन हो गया. अब वो सब क्लियर होने से अब नो होलसेलर अब पूरे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो आप अब होलसेलर को अवॉइड कर रहे हैं और डायरेक्टली रिटेल टच पॉइंट्स को आप डायरेक्टली सप्लाई करने वाले हैं ये मॉडल है क्या. हाँ हाँ थ्रू आवर डिस्ट्रीब्यूटर. अच्छा तो इस प्रोसेस में ये जो आपने करा उस बीच में जो पेन था उसके चलते ऑब्वियस है कि मार्केट शेयर लूज हुआ होगा ऑब्वियस इसीलिए क्योंकि रेवेन्यूज भी आपकी कंपनी के इस बीच ठंडे पड़ते हुए नजर आए थे. कितना इस प्रोसेस के बीच में बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अपना मार्केट शेयर लूज आउट करा था और किस हद तक अब आप रीगेन कर पाए हैं सर. नहीं अभी तो जो लास्ट 2 साल में जो लूज आउट हुआ है वो तो फैक्ट है. कितना हुआ है वो कोई बोल नहीं सकता कि 1% है कि 2% पर जनवरी से जो ग्रोथ है इट इज फास्टर देन द मार्केट तो मार्केट शेयर हमने जनवरी से पिकअप करना है और नेक्स्ट ईयर एंड तक मेरे को लगता है पुराना जो लॉस ऑफ मार्केट शेयर विल कम बैक. तो ये जो नया डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है सर क्या ये आपके कॉम्पिटिटर्स से एक सुपीरियर मॉडल है अगर हाँ तो कैसे क्या पेनिट्रेशन आपके मॉडल का ज्यादा है. ये जो मॉडल है ये इतना डिफिकल्ट है क्योंकि इसको कॉपी इसीलिए हमने किया जो कि कोई कॉपी नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें 2 साल तक आपको 10-15% का हिट लेने की तैयारी हो तो ये मॉडल कर सकते हैं. होलसेलर को बंद करना इतना आसान नहीं है इसीलिए दूसरे लोग देख रहे हैं पर जैसे हमने 2 साल तक हिट लिया उन लोग को भी 2 साल अगर हिट लेने की तैयारी है तो वो कर सकेंगे तो उसके लिए सप्लाई चेन पूरा जो बैकएंड का जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. होलसेलर को एलिमिनेट करने की जरूरत क्यों पड़ी डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल के थ्रू क्यों जा रहे हैं होलसेलर्स क्या ज्यादा मार्जिन बीच में खाते थे. अब मैं अज्यूम करूं मार्जिन बेहतर होते हुए नजर आएंगे.
इस नए मॉडल के चलते? एक तो हाँ मार्जिन दो कारण से, एक तो मार्जिन उनको उनको केवल प्राइस का ही गेम होता था कि 100 के बदले वो 500 पीस लेंगे उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता था और वो मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्टर्ब कर देते थे। अगर हम 100 रुपये में अगर हम मार्केट में बेच रहे थे तो होलसेलर 98 में बेच के और वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिस्टर्ब करता था, इसीलिए हम उसको अवॉइड करना चाह रहे थे होलसेलर्स को। अच्छा बजाज साहब, आप भी हमारे इंटरव्यू के लिए ऑफिस में आए होंगे, इस बीच थोड़ा सा धूप में चले होंगे, इस बार लग रहा है कि गर्मियां बड़ी भीषण पड़ने वाली हैं सर, तो ऐसे में बताएं मुझे कूलर्स और फैंस को लेकर आउटलुक क्या है? बहुत खुशी की बात है आपके धंधे के लिए तो ऑब्वियस है। अच्छा कूलर्स और फैंस को लेकर आउटलुक क्या है, और सब जानना चाहते हैं आप लोग एयर कंडीशनर के मार्केट में उतरने की तैयारी नहीं कर रहे क्या? नहीं, क्या है कि एयर कंडीशनर मार्केट में ऑलरेडी इतने अच्छे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनको ब्रेक करने में एलजी और सैमसंग को और वोल्टास वगैरह इज़ नॉट ईजी। उसके बदले उतना ही एनर्जी अगर हम अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में करें तो उसमें हमारे को कामयाबी ज़्यादा आएगी, इसीलिए हम लोग अपने प्रोडक्ट्स में इतना स्कोप है उसी में हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अच्छा ये तो मैं खास तौर पे आपके वो जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस था, कंज्यूमर बिजनेस था, उस पर बातचीत कर रहा था, लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट कारोबार है वो कॉन्ट्रैक्टिंग कारोबार, ईएनसी कॉन्ट्रैक्ट जो आप लेते हैं, वहां पे लीगेसी प्रोजेक्ट्स को लेकर दिक्कतें थी, बैग एंड बैगेज जो था, किस हद तक उससे हम बाहर आ पाए हैं, किस हद तक एग्जीक्यूशन पिकअप हुआ है, और ऑर्डर बुक पोजिशन क्या कहती है सर, पाइपलाइन कैसी है? हमारा जो प्रॉब्लम्स थे वो 2014 लास्ट क्वार्टर में हो गया, और अभी लास्ट तीन साल में देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज फार ईपीसी इज कंसर्न। और ऑर्डर बुक 1 जनवरी को था करीब 3,000 करोड़ का, और जो एंड ऑफ मार्च तक हो जाएगा 3,500 करोड़, कई नए ऑर्डर आ रहे हैं पाइपलाइन में। अरे वाह, अच्छा आपने कहा जनवरी स्ट्रांग था, फरवरी मार्च में भी होपफुल हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा रहने वाला बजाज इलेक्ट्रिकल्स का, तो मैनेजमेंट ने गाइड करा था इस साल के सेकेंड हाफ H2 में 10% की ग्रोथ, ऑन ट्रैक मान के चलू ना, ये ग्रोथ आ जाएगी आराम से, उससे ज्यादा? अरे वाह, तो फिर अच्छा आप कह रहे हैं ऐसा बुलिश हो रहे हैं, और कुछ ब्रोकरेजेस भी बुलिश हो रही थी, मैं कुछ पढ़ा था, एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि अगले 2 सालों में इस कंपनी बजाज इलेक्ट्रिकल्स की अर्निंग डबल हो सकती है सर, इतने बुलिश हैं क्या? जो बॉटम लाइन के बारे में और इतना लंबा पीरियड 2 साल बाद क्या होगा, मार्केट में इतना कंपटीशन है, इतने नए नए प्लेयर्स आएंगे, उसको वो तो खाली एक गेस वर्क है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। चलिए लेकिन आप बुलिश हैं और 10% की H2 की ग्रोथ से बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आएगी बजाज इलेक्ट्रिकल्स, हालात इंप्रूव होते हुए, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इन प्लेस है, मार्केट शेयर वापस रीगेन करना ये कंपनी शुरू करेगी, तो इसलिए पॉजिटिव तमाम आपके सामने, और इसीलिए ये स्टॉक 52 हफ्तों के हाईज आज भी छूता हुआ आपको नजर आएगा। चलिए बजाज साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए।